Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony Live app डाउनलोड करें. Sony Live. We live to entertain. हाँ भैया, ये भी दे देना. ये. आयशा, और कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, मैं देखती हूँ. शिमला मिर्च कैसे दिए भैया? 10 के पाव. ले लो, आधा किलो ले लो. आधा किलो शिमला मिर्च दे दो. अच्छा भैया जी, तरबूज कैसा दिया? 80 रुपए किलो साहब. 80 रुपए किलो? भैया जी, तरबूज बेच रहे हो या सोना? इतना मीठा तरबूज आपको पूरी मंडी में कहीं नहीं मिलेगा. आप बार बार मेरी दुकान पर ही आएंगे. ठीक है, दे रहा हूँ. मिर्चे दिए ना भैया आपने? इसमें टेस्ट करके देखते हैं. ले लो. ये लो भैया, ले लीजिए साहब, खाइए. अरे क्या हुआ साहब? अरे इन्हें क्या हो गया? क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थे, लगता है तरबूज गले में अटक गया. अरे संभाल के, संभाल के. रिक्शा में लगा हॉस्पिटल जाना. अरे पानी तो पीने दो. भगवान, एक तो धंधा नहीं हो रहा है, ऊपर से ग्राहक की तबीयत खराब हो गई, सो अलग. भगवान करिए जल्दी से अच्छे हो जाए. हाँ, अगर समय पे हॉस्पिटल पहुँच जाएगा तो ठीक हो जाएगा. तुम्हें कुछ चाहिए भैया? ये पपीता कैसे दिए? अरे बहन जी, आपको तो पता ही पपीते का दाम, फिर भी खुशी से जो चाहे दे दीजिए. अरे इसका रंग तो बड़ा भड़कीला है, ऊपर से रंग लगाया क्या? क्या बात कर रही बहन जी, पपीते पर भी कोई रंग लगाता है क्या? क्या हो? अरे तुम्हें छींक क्यों आ रही है? नहीं कुछ नहीं. तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आयशा? क्या हो गया आयशा? अरे ये कैसा फल है तुम्हारा? एकदम फ्रेश फ्रूट है साहब. नहीं चाहिए हमें ये, नहीं चाहिए. अभी उस आदमी की तबीयत खराब हो गई, मेरी वाइफ को छींक पे छींक आ रही है और कह रहे हो फ्रेश फ्रूट है. तुमने सब्जियां खरीद ली ना ऐसा, अब चलो घर चलते हैं. चलो. हाँ ठीक है, चलो. पता नहीं कहाँ कहाँ से फल ले आते थे. लगता है आज का दिन ही खराब है, जो भी ग्राहक आ रहा है सब वापिस जा रहे हैं. आयशा तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, मुझे तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलना होगा. चलो मेरे साथ. कुछ नहीं होगा पीयूष मुझे. क्या कुछ नहीं होगा? और ये सब कुछ ना तुम्हारे उस पपाया के एलर्जी का नतीजा नहीं है, बल्कि बात कुछ और भी है. मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं है. क्या नहीं बताया आयशा? पीयूष मेरा सर भारी हो रहा है. सर भारी हो रहा है? आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है. अंधेरा छा रहा है. ये खाने का कुछ स्वाद भी नहीं मिल रहा. हे भगवान, आयशा इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम मुझसे छिपा रही हो? आयशा तुमने मुझसे क्यों छिपाई ये सारी बातें? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा ऐसा. चलो तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त हॉस्पिटल चलो. चलो. परेशान नहीं करना चाहती थी पीयूष. इसमें परेशानी की क्या बात है ऐसा? चलो तुम अभी इसी वक्त हॉस्पिटल चलो. आओ संभाल के, संभाल के आयशा, संभाल के आयशा, बस आयशा संभाल के. आयशा, आयशा, आयशा. घर पे सब ठीक है ना? मैं आती हूँ, ठीक है? यही ना. कभी वक्त पर नहीं आता ये वीरेन, कब सीखेगा ये वक्त पर आना? देखो ना, हमेशा ऐसे ही करता है, कभी वक्त पर नहीं आता वीरेन. अरे शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा बेचारा. मुझे ना उसे वहाँ पे भेजना ही नहीं चाहिए था. अरे छोड़ो इन सब बातों को, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो उसकी वजह से? लो आ गया वीरेन, बस अब किसी को मूड खराब करने की जरूरत नहीं है. लेकिन वो लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? कहीं उसके पैर में तो नहीं लगा? चलो देखते हैं. अरे वीरेन, वीरेन तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? और तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? पता नहीं, शायद
शायद किसी कीड़े ने काट लिया। तुम्हारे तो पसीने भी छूट रहे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वीरेन, ये बेहोश हो गया है। लेकिन अचानक बेहोश कैसे हो गया? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीरेन, एक काम करती हूँ, इसे हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। चलो उठाओ इसे जल्दी। डॉक्टर प्लीज देखिए इसे। क्या हुआ? पता नहीं, शायद किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। किसी कीड़े के काटने का ऐसा रिएक्शन नहीं हो सकता। प्लीज डॉक्टर, इसकी तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है, कुछ कीजिए। नर्स, इसे इमरजेंसी वार्ड में ले चलो। मैम प्लीज आप यहीं पे रुकिए। हेलो। नहीं, डॉक्टर ने वीरेन का इलाज शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, तुम लोग वहीं पे रुकना, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद कॉल कर लूंगी। ठीक है? ओके बाय। बिजनेसमैन रोशन के 10 साल की बेटी को लोगों ने किडनैप किया, 10 करोड़ की डिमांड की है। डील कहाँ होने वाली? सुभाष नगर के पीछे वाले सड़क पे, आज रात 12:45। अब वो बहुत बार चकमा दे चुका है, इस बार छोड़ेंगे नहीं उसे। अभिजीत, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने इस रघु पर हाथ तक नहीं उठाया। अंधेरे में कब उसका सर दीवार से टकराया, कब उसे चोट लगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तुम पर विश्वास है दया, मैं जानता हूं तुम इतने लापरवाह नहीं हो सकते, लेकिन एसीपी साहब, इन्हें कैसे समझाएं? हम लोग एक साथ इतने समय से काम कर रहे हैं, एसीपी साहब को हमारी बातें विश्वास क्यों नहीं होता, यकीन क्यों नहीं करते हमारा? उन्हें ये क्यों नहीं लगता कि दया और अभिजीत कभी भी ऐसी गैर जिम्मेदार हरकत नहीं कर सकते हैं? देखो दया, जब एसीपी साहब जज्बाती नहीं हो रहे तो हमें भी जज्बात में नहीं बहना चाहिए। तो दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं, हमें भी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही कह रहे हो अभिजीत, मगर ये मुमकिन कैसे है? ये रघु अचानक कैसे मर सकता है? नहीं तो कुछ है जो हमसे छूट रहा है अभिजीत। साहू के साहब ने कहा कि उसकी मौत ब्रेन हैमरेज से हुई है। हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये ब्रेन हैमरेज की वजह क्या है। एक काम करते हैं, वापस वहीं चलते हैं जहां पे हमने रघु को पकड़ा था। उस रघु को दया हम लोगों ने यहीं पे पकड़ा था। इसका मतलब है हमारे चंगुल में आने से पहले वो यहीं कहीं गिरा होगा, उसे चोट लगी होगी। यही हुआ होगा, क्योंकि इंटरोगेशन रूम में ना तो मैंने उस पर हाथ उठाया, ना ही तुमने। जब हमने उसे पकड़ा था तब भी कहीं चोट वोट का निशान दिख नहीं रहता उसके सर पे। ये हैमरेज हुआ तो हुआ कैसे? यही समझ में नहीं आ रहा अभिजीत। जो कुछ भी हुआ है दया, यही कहीं हुआ है।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।